फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया। सोशल मीडिया में जो है न्यूज़ चलती है, और जब चलती है तो फ्रांस उसे बहुत ज़्यादा क्रेज में देखते हैं। ऐसे में बिग बॉस से जब कोई बाहर आता है मीडिया या एंटरटेनमेंट के पेज, ये जानना चाहते हैं कि उनका वहाँ सफ़र कैसा रहा, या वो और अच्छा खेल सकते थे, या फिर वो जो वहाँ खेले वहाँ पर उनकी क्या वैल्यू रही, जो बिग बॉस के घर नहीं जा सकते। एक रियलिटी है, एक छोटी सी स्टोरी है। आपने भगवान को देखा नहीं, लेकिन आपको पता है वहाँ मंदिर है, वहाँ कभी कई बार भगवान दिख जाते हैं। तो वहाँ के लोगों से आप पूछते हैं कैसे दिखते हैं, क्या होता है, क्या अद्भुत हुआ है। तो वैसे ही बिल्कुल बिग बॉस से जब कोई बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं पूछता है कि कैसा रहा आपका सफ़र। इन दिनों शहजादा धामी जो है शो से बाहर हो चुके हैं। उम्मीद से ज़्यादा जो है किसी पे रखना ये सही नहीं है। हमें लगा था शहजादा टॉप 5 में जाएंगे, विनर भी हो सकते हैं, या बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ देखने को मिला नहीं। ऐसे में उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि जो है कौन धोखेबाज है, मेरे जो दिल में है वही मेरे बाहर है, मैं फालतू का कुछ नहीं करता हूँ। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं शहजादा ने बोली, और जो है लोगों को लगा कि मैं शो के रिलेटेड बहुत कुछ बोलूँगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में लोगों के मन की बातें उन्होंने बोली। उसी के साथ उन्होंने बताया कि दो चेहरे लेकर घूम रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, पहले पॉलिटी थे फिर ये सब आपने इंटरव्यू में उनके सुन लिया, और इन दिनों जो है सभी उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के बीच में जब उनसे पूछा कि प्रतीक्षा अगर उसमें जाती, तो उन्होंने कहा देखिए वो मेरी एक अच्छी दोस्त है, वो मेरा सपोर्ट करती, और अगर बिग बॉस में उसे बुलाते तो वो ज़रूर आती। तो ऐसे में तो प्रतीक्षा ने भी सोशल मीडिया में कहा था कि अभी ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हाँ अगर मुझे बिग बॉस में बुलाएंगे तो मैं ज़रूर इस बारे में सोचूंगी। तो ऐसे में जो है शहजादा ने अपनी सोशल मीडिया पे प्रतीक्षा के साथ एक फ़ोटो पोस्ट की है, जहाँ पे प्रतीक्षा उन्हें प्यार भरी नज़रों से देखती हुई नज़र आई है। देखिए कई बार होता है फैंस जो हैं एडिटिंग कर देते हैं, उस पोस्ट को कर देते हैं, उनके चाहने वाले हैं उन्हें साथ में देखना चाहते हैं, लेकिन जब स्टार ही अपनी सोशल मीडिया में इस तरह की फ़ोटो को पोस्ट करेंगे तो लोगों के जो सवाल हैं, लोगों के जो रिएक्शन हैं, उनमें डाउट करना फिर बनता भी है। तो ऐसे में जब फैंस कहते हैं इन दोनों का अफेयर है, ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये चीज़ का प्रूफ खुद शहजादा धामी ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके साबित कर दिया, जहाँ पे प्रतीक्षा जो है उन्हें प्यार भरी नज़रों से देख रही है। तो ऐसे में देखिए एक होता है कि आप मस्ती कर रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की पिक जो मैंने इसी वीडियो की DP पे लगाई है, अगर आपने देखी है तो ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।